जो हुआ आज बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। सारे पास रुपए का केस क्यों दिया भाई? अरे 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 फिर लो मार लो। जो ठोका उन लोग को नहीं पकड़ रहा है, हम लोग को पकड़ रहा है। अरे भाई ये क्या सीन है भाई, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं भाई। अरे दादू सुनो, तुम्ही এখানে অনেকে আছে। দাদু বাবু সব পুলিশ জেনে নি। যারা করলো তাকে না ধরতে পারে, আমাদের উপর কেসটা দিলে। ওটাই হয়তো না, ওটা হয় না স্যার। আমরা সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিলাম স্যার। সই করুন। और गाइस ये जो पुलिस ऑफिसर्स है ना भाई, क्या ही बोले, ठीक है, इन लोगों के ऊपर केस करना चाहिए। सर सर लॉजेंस किच्छू दी नहीं। रात को सही से सो भी नहीं पा रहा था भाई, ऐसा दर्द हो रहा था। पता चला कि भाई यहाँ पे एक माइनर फ्रैक्चर होके रखा है, इसके वजह से भाई यार इतना ज्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर ने मना किया है मुझे कुछ दिन टेनर नहीं चलाने के लिए। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड गाइस यार, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। आई लव यू गाइस अ लॉट। एंड आल्सो आई एम वेरी वेरी मच सॉरी गाइस आप लोगों को इतना ज्यादा वेट करवाने के लिए। भाई देखो, अपना लाइफ का ना दुख भरा कहानी आप लोगों को सुना के मैं सिंपैथी गेन करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि यार खुद को थोड़ा सा टाइम दे दूँ ताकि ये इन सब चीज़ों से ना मैं निकल सकूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में जो चल रहा है लास्ट 3-4 महीने से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करता था, निगेटिव जोन में चला जा रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि भाई लाइफ से हार गया हूँ, तो ये जो सिचुएशन था ना भाई, इससे मुझे खुद को ही निकलना था। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मुझे खुद के ऊपर टाइम देना था कि भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कहाँ गलती कर रहा हूँ, एंड जो गलती कर रहा था उसको मैं कैसे सुधारूँ। लाइफ का ग्राफ ना हमेशा भाई यार ऊपर नहीं चलता है, अप्स एंड डाउन्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। इन सब चीज़ों से जब मैं निकल ही रहा था, तो तब यार मेरा एक सीन हो गया। ठीक है, अब तो तुम लोगों को मालूम है कि मेरे लाइफ में सीन अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो वैसे सीन ये हुआ कि न्यू ईयर के बाद ना मैं जिम ज्वाइन किया थोड़ा सा पतला होने के लिए, एंड भाई यार वर्कआउट कर रहा था तो अचानक से भाई यार मेरा यहाँ पे गलती से लग गया। भाई यार क्या ही बताऊँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था कि भाई अनबिलीवेबल था। रात को सही से सो भी नहीं पा रहा था भाई, ऐसा दर्द हो रहा था। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था भाई इतना ज़्यादा पेन क्यों कर रहा है। तो आफ्टर दैट मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे वगैरह करने के लिए, तो एक्सरे वगैरह करने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे एक माइनर फ्रैक्चर होके रखा है, जो एक ओल्ड फ्रैक्चर था। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 3-4 महीने पहले भाई यार KTM के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक डॉगी आ गया था सामने, तो जिसके वजह से यहाँ पे एक मार्क्स भी आ चुका था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भाई हुआ था। तो एट दैट टाइम ही वो माइनर फ्रैक्चर हुआ था, बट भाई यार मैंने ना उसको नज़रअंदाज कर दिया था। वैसे ये देख पा रही है मेरा एक्सरे रिपोर्ट, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रैक्चर है, इसके वजह से भाई यार ज्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर ने मना किया है मुझे कुछ दिन टेनर नहीं चलाने के लिए। आई होप कि भाई यार बहुत जल्दी ठीक हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट करते, बहुत सारा दवाई वगैरह दिया है, खाना वाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। ये जो बॉडी पार्ट्स वगैरह है ना, ये अगर एक बार खराब हो गया तो भाई दोबारा दुकान में नहीं मिलेगा भाई, बाइक के पार्ट्स की तरह, तो हैव टू बी वेरी केयरफुल। एनीवे गाइस, यार बहुत ज़्यादा बातें हो गया है। 2 दिन पहले यार हम लोग एक राइड पे निकले थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर राइडिंग भी हुआ था, एंड पुलिस के साथ एक बहुत बड़ा कांड भी हुआ था। तो गाइस चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो, लेट्स गो। देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फॉग है भाई आज, ओहो मजा आ रहा है भाई। विंटर के टाइम पे यार सुबह सुबह निकल के अगर फॉग ना देखने को मिले तब क्या ही हुआ। 6:30 बजे मीटिंग पॉइंट था, अभी बज रहा है कुछ 6:40, तो ऑलरेडी आई एम प्रीटी मच लेट, तो चलते जल्दी जल्दी। यार यहाँ पे देख सकते हो सीन भाई, कितना ज्यादा फॉग है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई आगे। माय गॉड भाई, ये तो अलग ही चीज देखने को मिल रहा है। ओ भाई ये क्या है भाई साहब, दिस इज डेंजरस यार। गाइस यार हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे मिडिल ऑफ द हाईवे, बहुत ज्यादा फॉग था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप लोग, बहुत खतरनाक फॉग है भाई, बहुत खतरनाक। तो वैसे वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कैसे नॉलेज को यूज करके बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ, वो भी प्रोबो ऐप से। तो प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहां पर आप लोग सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हो, वो भी आसानी से। सो एज एग्जाम्पल, अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सेकेंड ODI मैच पे प्रोबो पर सवाल ये था कि क्या कुलदीप यादव 3 और 3 से ज्यादा विकेट ले सकता है, तो मैंने हाँ सिलेक्ट करके अपना जवाब दिया था, और अपना जवाब सही निकला और ढेर सारे प्रॉफिट। प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरी से जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस,
एंटरटेनमेंट। और अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में सवाल ये है कि क्या इंडिया जीत सकता है श्रीलंका के खिलाफ थर्ड ओडीआई मैच पे, तो मेरे हिसाब से हाँ, तो इसीलिए ना मैंने यस को सिलेक्ट किया है क्योंकि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसलिए नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर मैं अपना जवाब दे देता हूँ, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं जीत जाऊंगा रियल कैश, जो मैं पेटीएम, गूगल पे, कार्ड और यूपीआई से आराम से विड्रॉ कर सकता हूँ। और इतना नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ या ना में ट्रेड करके इंस्टेंट बेट से जीत सकता हूँ। तो वैसे देर की इस बात की डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, प्रोवो ऐप को यूज करके देखो, और अगर आप लोग मेरे लिंक से प्रोवो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को ₹25 का वेलकम बोनस भी मिल जाएगा। पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, इतना ज्यादा फॉग है भाई। एंड अपना तीनों बीच खड़ा है यहाँ पे, डेटोना, टेनर एंड बुसा। चलते भाई आगे की तरफ, धुलागा टोल प्लाजा की तरफ, बस कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई पहाड़ी एरिया पे आ गए, है ना भाई। ये जो चीज देखने को मिल रहा है ना भाई, बहुत खतरनाक भाई सीन देखने को मिल रहा है भाई। यार ये हम लोग आ गए मीटिंग पॉइंट में, देखते हैं भाई कौन कौन आया है आज। माय गॉड, हां बच्चों, तो भाई गाइस मरचे, गाइस अटैक, सेफ राइड गाइस, सेफ राइड। वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आगे आगे रुके हुए। यार ये रहा ओहिन केतन जी का भूसा, ऑसम यार। आप लोग बताओ यार, हायाबुसा आप लोगों को कैसा लगता है भाई? इसका नाम है तूफान। तो यहाँ पे फोटोशूट होते हो तो जा रहा है, देख सकते हो। चलो चलते हैं, फोटोशूट करते हैं भाई। देख सकते हो फोटोशूट चल रहा है एंड रील्स भी बन रहा है भाई, सारे रील्स एंड फोटोज आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिल जाएगा। अभी बहुत हो गया फोटोशूट वगैरह, अभी चलते हैं एकदम हार्ड को राइड करते हैं, ठीक है। आगे भाई लोग सब निकल गया है, पकड़ते हैं उन लोगों को आगे, कोई ना कोई तो भाई सिग्नल पे रुकी जाएगा, वो लोग मिल ही जाएगा। ये जा रहा है सुरो जॉय बैक इन द ट्रैक वंस अगेन विद फायर ब्लेड। ओ भाई क्या लग रहा है भाई, टू बी ऑनेस्ट गाइस आज जैसे ठंडा भी है वैसा भाई यार फॉग भी देखने को मिल रहा है, पूरा रोड पे भाई फॉग ही फॉग है। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है भाई, this polo. Okay man, so I don't know what happened with this guy. Hi boy, what's up? तो वैसे ये जो पुलिस के साथ कांड हुआ ना, ये यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप लोग ना माइन्यूटली देखना वीडियो को कि किसका गलती है, ठीक है भाई। एक बार। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ ओके भाई, पुलिस आ भाई। हाँ सर, सर हमारा कोई नहीं, एरा को सर अरे 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 फिल लो फिल लो फिल लो मार लो। कैमरा तो रिकॉर्डिंग रही है, बच्चा गुलो सर ऐसे ऐसे कोटे चे हमने सर ऐसे दाढ़ी रही थी लम्हे कने से सर लाइसेंस आ चाहे हमारे कासे अरे सर ओड़ा ओड़ा कोटे चे सर ओड़ा आसलो আমরা একটা ফটোগ্রাফ করিনি স্যার।
ওরা এসে স্যার রেপ করে দিয়ে চলে গেছে। স্যার বাচ্চাগুলো স্যার আমরা রেপ ফেপ করিনি স্যার। ওইটা বলছে না স্যার, বলছে বাচ্চাগুলো রোড এসেছে। হ্যাঁ কি ভাই আর কি নাকি ভাই, আমরা তো কিছু করলামই না ভাই, আমার কিছু করার নেই স্যার। এই কাজের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট তো বাড়ছে স্যার, দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখুন আমরা করে গেল তো তোমার সামনে স্যার। আমাদের আমাদের ছেলে না স্যার, আমাদের ছেলে না তো ওটা। इसका नंबर दो। अभी भाई कितना बाइक्स आता है, सबका नंबर हम लोगों के पास थोड़ी है। अरे भाई ये क्या सीन है भाई, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं भाई। স্যার আমরা কিছু করেছি স্যার, আমরা কি কিছু করেছি স্যার, আমরা কিছু, আমরা স্যার সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আমরা সিগন্যালও ভাঙিনি স্যার, স্যার আমরা সিগন্যালও ভাঙিনি, একটু বুঝুন স্যার। আরে দাদু শোনো তুমি, এখানে অনেকে আছে। উপর সে ইয়ে বুড্ঢা চাচা বীচ মে ভাই দাঁত বগেরা নেই কর রা হ্যাঁ। আমি একটা কথা বলি দাদু, আমরা কি সিগন্যাল ভেঙেছি? সিগন্যালের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, সিগন্যাল আইন মেনে আমরা যাচ্ছি, হেলমেট পরে চলছি, যে করেছে তাকে বলুন। তা আমরা কি করে জানবো, রাস্তাতে কেউ মেরে চলে গেলে আমরা জানবো স্যার? এটা বলুন স্যার, রাস্তায় কেউ যদি হিট করে চলে যায় সেটা আমাদের দোষ? সেটা আমরা স্যার সিগন্যাল এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমরা আমরা তো পালিয়ে যেতে পারতাম। এক সেকেন্ড আমি একটা কথা বলি, আমরা তো পালিয়ে যেতে পারতাম তো, পালিয়ে গেছি কি, পালিয়ে কি গেছি, পালিয়ে তো যাইনি আমরা স্যার। बच्चे लोगों को देते हैं तो इसी वजह से बच्चे लोग हम लोगों के पास अट्रैक्ट होके आ जाता है। अब इनको क्या समझाए, क्या बताए इनको, ठीक है? मतलब इतना बड़ा गवार है ये लोग, किच्छु दी नहीं हमारा सर, किच्छु दी नहीं বিশ্বাস করুন স্যার, সিগন্যালে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তো আমরা। মামলুও নে কুছ কিয়াই নেই ভাই, সাবস্ক্রাইবার্স লোক আকে ভাই चोटेल मार के निकल गया, वहाँ पे दूसरा एक बंदा भाई किसी बंदे को मार के चला गया भाई, हम लोग सिग्नल पे रुके हुए तो अच्छा उन लोग एक्सीडेंट कर पे कैसा हम लोग खाबो हमने मेरे जी बोलूँ ना सर हेलमेट उतारी है ना আমরা করেছি সেটা তো আমার দোষ না না। अरे बहुत गलत चीज हुआ भाई, ये लोग ऐसे भाई रुका रहता है भाई रोड पे, और भाई इंसान भाई हम लोग के ऊपर रहता है भाई। भाई यार देखो अभी ये भाई लोग आया है सिग्नल पे खड़ा हो, अभी तुम लोग आए हो फोटो खींचने के लिए, इन लोगों को मना कर दो ठीक है? ऐसा ही सेम हुआ था भाई, वो लोग मान भी रहा है कि भाई पब्लिक का गलती है, फिर भी हम लोग के ऊपर केस दे दिया भाई। यहाँ का हाईवे पुलिस भाई ऐसा ही है, मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं पाएगा बट दूसरा किसी बंदे को पकड़ के भाई केस दे देगा, चाहे वो गलती करे ना करे केस दे देगा भाई। इन लोगों का मतलब ही है भाई केस देना। ये देख सकते हो 5,500 रुपए का केस क्यों दिया भाई, ऑफेंस कमिटेड सिग्नल वायलेशन, हम लोग सिग्नल पे रुके हुए थे भाई फिर भी सिग्नल वायलेशन का केस डाल दिया भाई, ये कोई सेंस होता है? तब भाई बहुत गलत 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 सीन किया भाई। हम बोले हम लोग को अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है हाँ। तो हम लोग रूल क्या तोड़ेंगे क्या? हाँ। रूल नहीं तोड़ेंगे भाई, सिग्नल पे खड़े हुए थे इसीलिए। तो आप लोग बोले रुकने के लिए, हम रुक गए, उसके बाद हम लोग को केस दे रहे, जो ठोका उन लोग को नहीं पकड़ रहा, हम लोग को पकड़ रहा है भाई। ये गलत सीन है भाई, एकदम गलत है भाई। समझने का इस बता क्या है कि इन लोगों का ना एक कोटा रहता है ठीक है, कि कोटा कंप्लीट करना होता है कि बाइकर्स को पकड़ के केस दे दो, और कुछ नहीं भाई ठीक है। बाइकर को तो आराम से पकड़ सकते थे वो लोग, वॉकी टॉकी है उन लोगों के पास, फोन करके नेक्स्ट सिग्नल पे अगर बोल देता तो भाई वो बाइकर्स पकड़ जाता,
भाई उनको पकड़ा नहीं, बट पकड़ा किसको? हम लोगों को। लोग बिना मतलब का कोई गलती नहीं किए, फिर भी हम लोगों के ऊपर केस दे दिया। A few moments later, देख रहे हो भाई टेनार, देख रहे हो सब कितना ज्यादा है। से वापस आ चुके घर पे, एंड भाई यार अभी यहाँ पे सारे भाई लोग खड़े हैं, एंड भाई जो हुआ आज बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ, गलती किसी और ने किया, उन लोगों को पकड़ नहीं पाया, हम लोगों के ऊपर केस दे दिया, ये कोई बात ही नहीं होता है। संडे राइड पे भाई कितना लोग आते हैं भाई ग्रुप राइड करने के लिए, ठीक है, तो भाई सब हम लोग का दोस्त थे, मतलब हाँ तुम्हारा जैसा ही बाइक है, अरे भाई हमारा जैसा बाइक मतलब क्या भाई, क्या मतलब होता है ये? जो भागा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी बोले क्या भाई, तुम्हारे वजह से भाई केस खाया भाई, एंड स्पेशली वो बुड्ढा चाचा, अगर ये वीडियो वो वीडियो में ऐड करना चाहता है, अगर चाचा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पुलिस आप बन जाइए, पुलिस को घर में बैठा देते चूड़ी बना के, आप पुलिस बन जाइए। एग्जैक्टली, पुलिस को तो बात नहीं करने देना, ओ भाई जगह बदल दे, वो मुंह में दांत नहीं है वेंचर, पुलिस कथा ही बोलछे ना, बूढ़ा तो चेची ही जाछे, यार लास्ट में जो सीन हुआ वो मतलब बहुत ही गलत सीन हो गया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो पुलिस वाला ने किया वो सही किया गलत किया। फिलहाल घर की तरफ चलते, बहुत टायर्ड हो गया वो, एंड भाई ये जो सीन हुआ ना इसके वजह से भाई मूड टोटली ऑफ हो गया भाई, मतलब क्या ही बोलूं, बाय। एनीवे गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइडर एंड राइड सेफ गाइस, बाय। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दे देता हूँ कि आप लोगों के पास अगर ओपिनियन है तो सोशल मीडिया गली मोहल्ले पे नुक्कड़ पे मत दीजिए, प्रोवो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए तक का वेलकम बोनस जीतिए।